नेक्स्ट 41। दिस पिटिशन इज अगेंस्ट द इलीगल डिमोलिशन ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पिटिशनर हाँ एंड माय लॉर्ड वाज प्लीज टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ व्हाइल दिस वाज हर्ड ऑन द फर्स्ट हियरिंग। रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया है, बताइए क्या मैटर। माय लॉर्ड इसमें दो हाउसेस, हमारा कहना है कि आर हाउसेस हैव बीन डिमोलिश्ड विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ताकि हम उसको कंपाउंडिंग भी करवा लेते या कुछ भी स्टेप लेते, बट दैट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अब मालट में काइंडली सी कि जो पेटिशनर है वो पेटिशन नंबर वन है राधा लांगरी, वाइफ ऑफ राहुल, एंड पेटिशन नंबर टू है मदर ऑफ राहुल, विमला कुचर। ना जो दो घर इन्होंने डिमोलिश किए हैं मालट, वो एक उसकी फर्स्ट रजिस्टर्ड सेल डेट है P1, दिस इज द कॉलोनी डेवलप्ड बाय द MP हाउसिंग बोर्ड मालट, उसमें ये घर है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कुड बी विदाउट परमिशन, बट इलीगल कॉलोनी तो नहीं है। एंड नाउ माय लॉर्ड, व्हाट दे से कि हमने इनको नोटिस दिया है और तभी डिमोलिश किया है। नाउ माय लॉर्ड, मैं काइंडली कंसीडर देयर रिप्लाई। रिप्लाई जो पेश किया है ये LIG वाला, उज्जैन सांदीप अली नगर। रिप्लाई, रिप्लाई का इनका आप देखेंगे, रिप्लाई में दे हैव फाइल्ड एनेक्सर R1 पेज नंबर 9। इनका कहना है आई हैव बीन सर्व्ड विद द नोटिस। ये तो परवेज खान को, ये सम परवेज इसको दिया है और इसने लेने से इनकार किया, ऐसा बताते हैं ये। और पीछे इसका बैक पेज देखेंगे सर, पेज नंबर 10। ये परवेज खान से खरीदा है? नहीं। अब इसमें मैं पढ़ देता हूं जो इन्होंने पंचनामा बनाया है वहां पे, इसे जस्ट बैक पेज पे है। उद्यान प्रबंधक द्वारा दी गई सूचना के क्रम में आज दिनांक 12/10/2022 को मौका स्थल का निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पाया गया वार्ड क्रमांक 17 संदीप अली नगर उज्जैन पर स्थित कुएवाला उद्यान के पास भूमि पर श्री परवेश खान द्वारा अतिक्रमण निर्माण किया जाना पाया गया है, जिसकी सूचना देने हेतु 307 का सूचना पर संबंधित मकान पर चस्पा किया। मैं रजिस्टर्ड सेल डीड भी देख लें सर, उसमें भी परवेश से नहीं खरीदा है P1 पे। और ये पेज 11 पे नोटिस है, देन वो हाउस नंबर 467 के संबंध में वो भी मेरे नाम पे नहीं है। एंड दिस नोटिस आर एंटी डेटेड नोटिस, मान लो एक एक दिन तीन तीन दिन के नोटिस दिए हैं और ये भी दूसरों के नाम से ही जारी किए हैं। सिविल सूट भी लगाया था? सिविल सूट नहीं लगाया था, मतलब ढूंढा यूं था कि इसके टोटल तीन पहले इनको एक एक दिन के नोटिस दिए विमला पिटिशन नंबर 2 के नाम से, वो मैंने एनेक्स किए हैं, उनके अगेंस्ट हम चले गए 94 की एप्लीकेशन लेके इमीडिएट स्टे लेने, और उधर उसका स्टे लिया और इधर अगले दिन उन्होंने ये दो मकान तोड़ दिए, उसमें ये कवर्ड नहीं थे। और वो दैट मैटर हैज एंड मैलोड, उसमें हम खत्म हो गया, कोर्ट फीस वगैरह भरा नहीं तो डिसमिस हो गया। इन दिस पिटिशन मोस्टली आई एम प्रेसिंग फॉर द इलीगल डेमोल्यूशन ऑफ टू हाउसेस, हाउस नंबर 466 एंड 467। यस व्हाट शुड दिस मैटर बी आर actually seeking compensation with respect to the demolition done by the Ujjain Municipal Corporation, response number 1. Both the houses were illegal. No building permission was ever issued. We have issued notices to them under section 307 twice. They have not produced any building permission, not along with this petition memo as well. And I am relying on my Lord's judgment only that the question of compensation, the disputed facts, my lords have ordered a bunch of petitions on the similar term. Was you satisfied where the notice, which is the notice served to this petition? Yes, lordship, as my learned friend has pointed out, annexure R, page number 9 of our reply. It states that Shri Parvesh Khan, son of Babu Khan. Parvesh Khan is not before us. Uske baad ye tha, athwa jo bhi vyakti sambandhit
लॉर्डशिप वहां पर जो व्यक्ति था और जो रिकॉर्ड्स में अवेलेबिलिटी है हमारे म्यूचुअल रिकॉर्ड्स उसके बेसिस पे नोटिस इशू करेगा, वहां पे लेने से मना करा। उसके बाद ही चस्पा किए गए, चस्पा करने के बाद में वहां पर उसका पक्षनामा हुआ। ये हाउस नंबर मार्क 466 है कि हाउस नंबर है? हाउस नंबर 466 हाउस नंबर ईडब्ल्यू एस, क्रमांक ईडब्ल्यू एस जी, ये ईडब्ल्यूएस 466 ईडब्ल्यूएस। तो हाउसिंग बोर्ड का मकान, बिल्डिंग परमिशन हाउसिंग बोर्ड ने ली होगी, तो लॉर्डशिप दे मस्ट हैव दैट बिल्डिंग परमिशन अलोंग विद देम सर। तोड़ने की इतनी जल्दी क्या था? क्या लॉर्डशिप गिरने वाला था मकान? लॉर्डशिप वी हैव इशूड दिस नोटिस इन ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 2022। सब्सिक्वेंटली आफ्टर 1 month वी अगेन इशूड अनदर नोटिस ऑन आफ्टर 2 months सॉरी लॉर्डशिप ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2022। इट इज नॉट द केस दैट वी हैव नॉट प्रोवाइड देम एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग और ये आपके कॉरपोरेशन लोगों ने जब से जेसीबी खरीदी ना, तो आप लोग को हाथ में खुजली होती रहती है कि जल्दी से गिरा उसको। कल एक पिटीशन में लगाई हमने कॉस्ट, इसके पहले एक में 2 लाख भी लगा चुके हैं। ये डे टू डे प्रोसीडिंग करके जो डिमोलिश करने पहुंच जाते हैं आप लोग। कल वाली आप मिस्टर मंगल वाली ऑर्डर देखिए, इसमें कॉस्ट लगाई है, इसमें इलीगल डिमोलिश 7 दिन में प्रोसीडिंग करके डिमोलिश कर दी उसकी शॉप, जो बिल्डिंग परमिशन में बनी हुई है ना। जल्दी क्यों रहता है डिमोलिश करने का आप लोग? जैसे बिल्कुल आज नहीं डिमोलिश की तो कल अपने आप गिर जाएगी और कोई मरेगा उसमें। उसमें जब ऑर्डर शीट देखी आपने, तो एक डेट में एक्सपायरी कर दिया, दूसरे डेट में ऑर्डर कर दिया डिमोलिश का, तीसरे और नेक्स्ट डे सप्लाई करके बोला तोड़ दो जाके, ये स्टे भी ना ला पाए कोई। पढ़िएगा ऑर्डर, पहुंचाइए कलेक्टर को, हमने इंक्वायरी के लिए बोला उसमें। ये मकान कितने साल पहले बना हुआ था आपके रिकॉर्ड के हिसाब से? आपके पास भी तो रिकॉर्ड होता है ना, यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड, टैक्स वसूलते हैं आप। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते थे? अगर ये नहीं आए, इनको नोटिस नहीं हुआ प्रॉपर सर, तो डिमोलिश, किसी का घर उड़ा दे, हम आपका ऑफिस डिमोलिश करा देते हैं। We have again issued notice, that's तो why we डिमोलिश क्यों करना भाई? आपके पास इतने सालों से, इसमें कितने साल पुराना कंस्ट्रक्शन है ये? should, I have to verify it. कहाँ है रिकॉर्ड आपका? बुला उसकी पूरी फाइल लाइए रिकॉर्ड इस केस की, दोनों मकान की आपके उसके कब से, इसका रिकॉर्ड आपके पास कब से, इसमें टैक्स पे हो रहा है? आप अपना रिकॉर्ड चेक करते नहीं है, और 2 बार से कोई नहीं आया तो घर ही तोड़ देंगे सीधे किसी का। स्पेशली दीज टू कॉरपोरेशन, उज्जैन एंड इंदौर, दे आर ऑलवेज इन हरी टू डिमोलिश। और आप लोग का देखा देखिए, फिर छोटी जगह में भी एसडीओ डिमोलिश करा रहे हैं सब। लिखिए, इन दिस केस द हाउस ऑफ द पिटिशनर्स हैव बीन डिमोलिश बिकॉज डिस्पाइट रिसीट ऑफ टू नोटिस विच वेर इश्यूड इन द नेम ऑफ परवेज खान हैव बीन डिमोलिश, दीज हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय एमपी हाउसिंग बोर्ड, द पिटिशनर परचेज दिस कंस्ट्रक्टेड हाउस, द नोटिस वॉज गिवन दैट दिस कंस्ट्रक्शन इज विदाउट परमिशन। Since these houses are very old, therefore Municipal Corporation Ujjain must have a record of payment of property tax and information about the ownership, etc., and building permission. The commissioner is directed to explain why there was a hurry to demolish the house without verifying all this. Even if the petitioner did not appear, the corporation could have verified the status of construction from their own record. Merely because the petitioner did not appear after received after so-called service of notice, that doesn't mean the house is liable to be demolished then and there. Let record of these two houses be produced before this court next week. This building officer who issued an order for demolition shall also remain present before this court. My lord, एक request, उसमें MP housing board ने शायद भूखंड ही दिए थे इनको starting में, मकान इन लोगों ने बाद में समझा। That's plot, passing of this whole the plot. Obliged. What did you? I could be.